केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि एसओजी ने उन्हें संजीवनी मामले में आरोपी मान लिया है। एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान पुलिस ने हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में एक आरोपी हैं। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद भी तालमेल नहीं होने का तर्क देते हुए एसओजी ने राजस्थान हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत को आरोपी बताया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की है, उसके साथ एक संशोधन प्रार्थना पत्र भी पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि तालमेल के अभाव में तथ्यात्मक रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं हो पाई, जबकि केंद्रीय मंत्री शेखावत एसजीओ की जांच में आरोपी हैं। इसके खिलाफ आरोप भी प्रमाणित किए गए हैं। अगर रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शेखावत ने नौप्रभा बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड में 3 नवंबर 2005 से 10 मार्च 2014 तक डायरेक्टर के पद पर काम किया। कंपनी के शेयर की वास्तविक मूल्यांकन 31 मार्च 2012 को लगभग 50 रुपए थी। केंद्रीय मंत्री शेखावत सहित अन्य आरोपियों ने शेयर को 500 रुपए प्रति शेयर की दर पे विक्रय किया, जो कि वास्तविक मूल्यांकन की दर से लगभग 10 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट में आरोपी की शेखावत सहित अन्य आरोपियों ने नौप्रभा के शेयर वास्तविक दर से अधिक दर पर क्रय विक्रय कर संजीवनी के निवेशकों के निवेश धन का दुरुपयोग किया है। एसजीओ ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्री शेखावत सहित उनके परिजनों पर भी आरोप प्रमाणित किए हैं। अब एसजीओ द्वारा हाईकोर्ट के आदेश को संशोधन करने के लिए प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।